उसने रिन को क्यों मारा? सो एक्चुअली ये इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। तो इसके दो से तीन रीज़न थे, बट वो जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले रिन के अंदर इसोबू यानी थ्री टेल्स को डाल दिया गया था और रिन को उसे कंट्रोल करना नहीं आता था, जिसकी वजह से उसे डर था कि कहीं थ्री टेल्स उसकी बॉडी पर कंट्रोल करके पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय ना कर दे जैसे नाइन टेल्स ने आगे जाकर किया था। और इसके बाद दूसरे विलेज के शिनोबी रिन के पीछे पड़ गए थे ताकि वो उसके अंदर की बीस्ट और उसे दूसरे नेशंस के अगेंस्ट यूज़ कर सके, क्योंकि उस टाइम पर थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो इन रीजंस की वजह से रिन ने काकाशी को उसे मारने को भी कहा था, बट ओबितो ने मरने से पहले काकाशी को रिन का ख्याल रखने को कहा था। इस वजह से काकाशी ने उसे मारने से मना कर दिया और रिन सुसाइड नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से जब दूसरे नेशन के शिनोबी ने काकाशी और रिन पर अटैक किया तब काकाशी ने उन पर अपनी चिदोरी से अटैक किया। तब रिन ने उन दोनों के अटैक्स के बीच में आकर अपनी जान दे दी, जिसकी वजह से काकाशी बहुत साल तक डिप्रेस्ड हो गया था और ओबितो का लास्ट प्रॉमिस पूरा ना कर पाने की गिल्ट में जीने लगा था। तो यही थी रिन के डेथ की कहानी, एंड रिन ने सोचा थी काकाशी ने उसे नहीं मारा था। तो आप लोग को क्या लगता है, रिन ने सही किया था? अपने ओपिनियन कमेंट में लिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैम।